हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी नेचुरल विद मी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो का टॉपिक है स्नेक प्लांट। तो फ्रेंड्स, आजकल जो स्नेक प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि कोरोना में हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और तब ये एडवाइस किया जाता था कि अपने घरों में आप ऐसे प्लांट्स लगाइए जो आपको ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन प्लांट्स में स्नेक प्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि हमें 24 आवर ऑक्सीजन देता है और इसको लगाना भी बहुत ही इजी होता है। तो आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि किस तरीके से इस प्लांट को लगाया जाता है और उसकी किस तरीके से केयर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फ्रेंड्स दो वैरायटी हैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो ये छोटी वाली वैरायटी जो है वो डेकोरेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हम अपने रूम में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये देखिए, मैंने एक प्लांट था मेरे पास और मैंने उस प्लांट में से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनको अलग अलग करके देखिए मैंने कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस प्लांट के केयर की। तो इस प्लांट की हमें ये केयर करनी चाहिए कि हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना है। और अभी जैसे रेनी सीज़न है तो हमें इसे बाहर भी पानी में नहीं रखना है, ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पर इस पर हमेशा जो है रेन का जो पानी, मतलब बारिश का जो पानी है वो इसमें पड़ता रहे, क्योंकि इससे उसकी जो लीव्स हैं वो गल सकती हैं। तो हमें इसको ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर इसमें ज़्यादा पानी ना पड़े और इसमें सनलाइट जो है वो डायरेक्ट ना पड़े। इसमें एक घंटे की सुबह या शाम की अगर धूप आ जाती है तो फ्रेंड्स उतना ही इसके लिए काफ़ी। और इसे फ्रेंड्स ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसको ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। मैं बस इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 दिनों में डाल देती हूँ, उतना ही इसके लिए इनफ होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वेस्ट सब्जियों का या फलों का छिलका वगैरह होता है, आप उसे 4-5 दिन तक एक कंटेनर में पानी डालकर रख दीजिए और उसके बाद आप इसको डाइल्यूट करके अपने स्नेक प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पॉट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको महंगे महंगे पॉट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। पेप्सी की जो 2 लीटर की बॉटल्स होती हैं उनको आप कट करके आराम से उसमें कलर कर लीजिए, चाहे ना भी कीजिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उस तरीके से इसको पेंट करके भी बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये पॉट बनाया था और इसमें मैंने सुंदर सा फेस ड्रॉ किया था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। इसमें मैंने फैब्रिक कलर किया है, तो आप दूसरा पेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक कलर जो है फ्रेंड्स, जब मैं इसमें प्लांट लगा रही थी तो वो ना हट गया था वो फैब्रिक कलर। तो इसको ऐसे वाले पॉट को हमें बाहर धूप में नहीं रखना है, बारिश में नहीं रखना है। आप इसको रूम के अंदर या ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो और वो शेडी एरिया में रहता हो। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये स्नेक प्लांट है, तो इसमें 4-5 जो है वो बेबी पप्स निकल रहे हैं, इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो आज मैं इनको अलग करूँगी, सेपरेट करूँगी और अलग दूसरे पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और इसमें मुझे 4-5 मिल गए हैं प्लांट्स, तो इन सबको मैंने अलग अलग कर लिया है। देखिए, तो एक पॉट में तो मैंने लगा दिया है और एक पॉट में मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, एक हाथ से मुझे कैमरा पकड़ना था, फ़ोन पकड़ना था और एक हाथ से मुझे लगाना था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोनों हाथों का यूज़ करके अच्छे से लगता है फ्रेंड्स, तो फिर भी मैंने लगा दिया था। तो इस तरीके से आप पॉट में इसको
ट्रांसफ़र करके बहुत सारे अच्छे प्लांट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स, और आप इसको अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। और प्लांट्स गिफ्ट में देना बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास स्नेक प्लांट है तो उनको मल्टीप्लाई करके आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ज़रूर गिफ्ट में दीजिए। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।